भाई ये देखो तीसरे गियर में चल रही है और उसके पूरे के पूरे 6 गियर पड़े हुए हैं, इसके अभी खाली 3 ही गियर पड़े हुए हैं। डरोगे? मैं बोल रहा हूँ डर जाओगे। ओए तू गिर गयो मत। तरोड़ से बाबा थोड़ी हूँ। खींचते हैं कैसा फील हो रहा है? क्या? कैसा फील हो रहा है? मजे आ गए। आए पुलिस वाले। शिट बोलना सर, व्लॉग शूट कर रहे हैं। ओके ओके सर, जा रहे हैं। अपनी क्राउन और आप देख सकते हो अपनी बाइक्स को करा लिया एकदम अच्छे से वॉश, और ये रही रईस की बाइक। तो अभी हम निकल रहे हैं एक प्यारी सी राइड पे। तो पहले हमसे मंजुल भाई और मिलने आए हुए हैं, और आज मंजुल भाई का बर्थडे भी है तो भाई से पार्टी भी लेंगे। भाई कब से बुला रहे? तो भाई मॉल के बाहर हमारा वेट कर रहे हैं, तो पहले भाई के पास चलते हैं। तो अभी हमने अपनी बाइक से निकाली फ्लैट से बाहर, तो फटाफट अभी उधर से हम निकलते हैं। और मौसम काफ़ी ज़्यादा प्यारा है और रईस की बाइक भी देखो काफ़ी प्यारी लग रही है, बट उसकी बाइक में भी तेल नहीं है। बोला पहले पेट्रोल पंप चलते हैं। मैंने बोला चल ठीक है, और आज मैं ग्लव्स वगैरह वेयर नहीं करके आया हूँ क्योंकि अभी ना मौसम काफ़ी अच्छा है। तो मैंने सोचा भाई आज थोड़ी राइड ऐसे ही कर लेते हैं। तो बाकी अब आपको पता, हम चंडीगढ़ आ चुके हैं और मे भी कल मैं दिल्ली जाऊँ तो वहाँ पर जो मेरी RR 310 लगी हुई है, मैं कब से बोल रहा हूँ भाई RR 310 लानी है। तो भाई वो बाइक भी बोल रही होगी भाई एक टाइम पर ड्रीम मोटर था और एक टाइम पर अभी सर मुझे छोड़ ही दी है जब से मेरे पास क्राउन आ गया है। बट गाइज नहीं जाएंगे फटाफट और अपनी RR 310 को लेके आएंगे और देखते हैं भाई अब चंडीगढ़ में कैसे दिन निकलते हैं। जम्मू में आपको पता है भाई रोड्स वगैरह का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो वहाँ पे भाई बिल्कुल भी राइड नहीं होती है। चंडीगढ़ में और भी बड़े सारे काम है वो भी पूरे हो जाते हैं और प्यारी प्यारी राइड्स है वो भी पूरी हो जाती है। तो चलो गाइज लेट्स गो। गाइज अभी हम आ चुके हैं भाई पेट्रोल पंप पे, वो सामने रईस पेट्रोल डलवा रहा है। अपनी क्राउन फुल है क्योंकि मैंने इसको जम्मू से तो एक बार फुल करवाया था, देन उसके बाद जब हम चंडीगढ़ से थोड़ा सा पीछे पहुंचे थे उसके बाद इसको मैंने वापस फुल करवा लिया था। तो अभी मंजुल भाई और यहीं पर आ रहे मेरे पास, मैंने उनको लोकेशन भेज दिया कि भाई मैं KFC के पास खड़ा हूँ, और ये रही KFC। तो आपको पता पहले हम जब हम ब्लॉग्स वगैरह करते थे सब दोस्त वगैरह यहाँ पे हम बड़ा कुछ खाते पीते थे, तो अभी अपनी क्राउन एकदम बॉम्ब लग रही है। तो मैं सोच रहा था अभी अपनी क्राउन के लिए ना यहाँ से ना कुछ खरीदते हैं, क्योंकि मैं अपनी क्राउन की ना बिल्कुल भी केयर नहीं करता। मेरे को सारे बंदे बोलते हैं, सारे बंदे छोड़ो मेरे को जानू पता क्या बोलता है, बोलता कौन बोलेगा कि ये सुपर बाइक 10 आ रहा है, बोलता कहाँ से ये मेरे को सुपर बाइक लिखती है, बोलता सुपर बाइक की पहचान होती है वो थोड़ी ब्रॉड होती है, उसके शीशे होते हैं, बोलता तूने इसको R15 बना के रखा हुआ है छोटी सी, इतना मौजू लेता वो। मैंने बोला नहीं भाई R15 ही ठीक है, क्योंकि आपको पता है भाई मेरे को ना, मैंने आपको स्टार्टिंग से बोला हुआ था कि जब मेरे पास सुपर बाइक आएगी मैं उसके शीशे अभी भी नहीं रखूंगा, इसके बाद जो सुपर बाइक होगी उसकी भी शीशे उतार के लूंगा, क्योंकि आपको ने बहुत बारी बोला। ओ लो भाई, तो गाइस फाइनली मंजुल भाई आ चुके हैं और आज इनका बर्थडे भी है, तो सबसे पहले इनको हैप्पी बर्थडे। ठीक हो ना? बहुत लेट आए हो, कैसे हो सिस्टी दी? ठीक हो? इतनी देर कहाँ से थे आप? हाँ तो भाई के चैनल पे आ चुकी है स्ट्राइक, भाई फिर भी ब्लॉग कर रहा है, बट कोई बात नहीं, ब्लॉग जाके बाबा के चैनल पे देख लेना। और बाइक देखो वापस अपनी ठीक हो चुकी है, इस बाइक को बहुत मिस किया था बहुत सारे बंदों ने, और आपको पता है भाई टूट चुकी थी तो उसके बाद अब वापस हो चुकी है ठीक। और ये एंगल क्यों लगाया? स्टंट्स वगैरह सीख रहे हो अब? अच्छा इसलिए लगाया है? गिरूंगा तो बाइक नहीं टूटेगी। नहीं नहीं भाई, मैं तो ये बोलता हूँ कि आप ना ही गिरो तो ठीक है। तो गाइस और अपने भाई भी आए साथ में, कैसे हो भाई? ले सकता हूँ ब्लॉग में? हाँ ठीक है। तो भाई भाई अभी मैं R15 की बात कर रहा था, तो देखो भाई R15 की बात करते, तो भाई अभी R15 लेके आए, तो आज रहने वाली है भाई बॉम्ब राइड साथ में। तो रईस वहाँ पे तेल डलवा रहा है, तो अभी देखते हैं क्या सीन रहता है। और अभी मैंने अपनी बाइक में ना DB किलर लगाया हुआ है, तो DB किलर बाद में निकालेंगे और फिर रिएक्शन देखेंगे। क्या गिफ्ट मिला फिर आज आपको? गिफ्ट क्या मिला फिर आज आपको? क्या गिफ्ट दिया आपने इनको आज? ऐसा दिया कि मैं शॉक्ड हो गया। मैंने सुना आपके गिफ्ट चोरी हो गए, गाड़ी में चले गए थे। हैं, मिल गए थे वापस? भाई गिफ्ट ही चले गए थे गाड़ी में, बट चलो शुक्र है वापस मिल गए। तो आ गया भाई रईस भी। मौसम काफी भाई प्यारा है चंडीगढ़ का, आप देख सकते हो। 10,000 के साथ पंगे लेता है, इसको बिल्कुल शर्म नहीं आती है, बिल्कुल भी शर्म नहीं है मंजू को। बोलता रेस करो, और एंगल देखो भाई कितने पड़े लगाए मंजू भाई ने, बुलाओ। अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट वाली रोड पे, और वहाँ पे ना यार मेरे ख्याल से ना पुलिस वाले भी खड़े हैं, तो ये ना भाई पुलिस वाले ना भाई हमें पकड़ ले, क्योंकि आपको पता है भाई अभी तो मानता हूँ DB क्लियर से मैं लगाया हुआ, बट फिर भी इसकी ना बहुत ज़्यादा आवाज़ है और पुलिस वाले पहले ही खड़े हुए हैं। बट कोई चक्कर नहीं, पुलिस वाले आ जाएंगे तो फिर ये किस काम आएगी, भगा लेंगे भाई, और क्या ही हो सकता है। रुकेंगे तो फिर डांट पड़ेगी, क्योंकि आगे नंबर प्लेट तो नहीं है भाई इसको। भाई ये देखो तीसरे गियर में चल रही है और उसके पूरे के पूरे 6 गियर पड़े हुए हैं, इसके अभी खाली 3 ही गियर पड़े हुए हैं। डरोगे? मैं बोल रहा हूँ डर जाओगे।
सृष्टि जी बोल रही थी साथ में बैठना है, मुझे लग रहा बैठ पाएंगे। मंजुल भाई क्या करूं? आप बताओ क्या करूं, डरेंगे यार। सोच लो चलो ठीक है गाइस, सृष्टि जी बोल रहे हैं पीछे बैठना है, तो मेरे को तो लग रहा है भाई ये डरेंगे यार। अब देखता हूँ भाई यार, इसमें और इसमें बड़ा फर्क है, ये ना बाद में डरेंगे यार, सोच लो। मुझे तो लग रहा है क्योंकि भाई जब मैं खींचूंगा पीछे हो जाएंगे बाद में यार। बाद में आप बोलोगे मेरी गर्लफ्रेंड को उठा दिया। सृष्टि जी सोच लो, बाद में बोलोगे भाई ये गलत कर दिया आपने मेरे साथ। चलो ठीक है, मैं थोड़ी सी पहले चलाऊंगा, अगर आप नहीं डरे तो फिर उसके बाद देखेंगे। ठीक है चलो, वो अब आपने संभालना भाई उसको। चलो ठीक है भाई, देखो कैसा बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को खतरों के खिलाड़ी में बेर है, बिल्कुल फिक्र नहीं अपनी गर्लफ्रेंड की भाई। वाह, मैं क्या बोलूँगा, वो बोलेंगे जो बोलेंगे। तो रोडू से बाबा थोड़ी हूँ। बैठो चलो गाइस, पहनना से किसको डर नहीं लगता है। भाई मुझे डर लग रहा है कि उड़ ना जाए यार, बुरी हालत होगी भाई। चलो गाइस खींचते हैं, वही पूछते हैं क्या क्या हाल है, पीछे मेरी बहन जिंदा भी आया नहीं, कैसा फील हो रहा है? क्या? कैसा फील हो रहा है? मजे आ गए। ओ भाई इसकी आवाज नहीं आ रही है भाई की। हाँ। वो मैंने डीबी किलर नहीं निकाला अभी, तो निकालो किसने रखा है, तो पुलिस वाले पकड़ लेंगे। बोरे डीबी किलर निकालो, नहीं ये बोरे डीबी किलर निकालो। ओ भाई नहीं, पहले बताओ कैसा फील हो रहा था जब बाइक भाग रही थी। भाभी निकाल डीबी किलर है, सही बात है। तो भाई बोरे डीबी किलर निकालो, पुलिस वाले पकड़ेंगे फिर भाग जाना, ठीक है रुकना नहीं। वो बताएंगे ना क्यों पकड़ेंगे, वो रुकना उनके पास भी बताएंगे वो क्यों पकड़ेंगे। चाबी देखो बाइक की कितनी प्यारी है भाई, खतरनाक R15। कितनी बाइक्स आ रही है, मेरे साथ 4 बाइक्स हैं भाई, देखना बहुत गर्म है यार ये पुलिस वाले। शिट बोलना सर, व्लॉग शूट कर रहे हैं। ओ क्योंकि सर जा रहे हैं, जा रहे सर जा रहे हैं। अब सर के सामने स्टार्ट भी नहीं कर पाऊंगा, आवाज़ बहुत ज़्यादा आएगी। भाभी अब स्टार्ट कैसे करूँ, पुलिस वाला सर पे है। करो बाइक के तो साइड करो गाइस, पुलिस वाले वहाँ पे खड़े हैं, ऊपर से डीबी किलर भी निकाल दिया, अब क्या करूँ समझ नहीं आ रही। भाभी बड़ी आवाज़ आएगी यार, पता सारे पता कौन सी तरफ को जाना, आगे वाली तरफ को। ठीक है बैठो सुशि। गाइस मैं सोच रहा हूँ स्टार्ट कैसे करूँ यार। ओहो हो चुका है टीवी की तरफ।
बस गैस वो पुलिस वाले सर ना हमारे पीछे ना आए, अगर वो सर पीछे आ गए ना फिर थोड़ी मुश्किल हो जाए, क्योंकि बाइक ना इतनी ज्यादा लाउड हो गई है ना, और ऊपर से मेरे पिछले वाले टायर में ना इतने ज्यादा पंचर हो चुके हैं, दो पंचर हो चुके हैं, और क्या ही बताऊं। और कल जब हम रात को आ रहे थे मैं ना एक क्लिप शेयर करूंगा आपके साथ, तो देख लेना वो कितना बड़ा किन था। ओहो भाई इतना बड़ा किल था ना, अगर हो पाएगी तो मैं क्लिप शेयर करूंगा भाई। चलो भाई रेस ना भगाते हैं भाई। ओ भाई क्या ही आवाज आ रही है, अब मेरे ख्याल से सृष्टि डरेगी भाई, अब डरने वाली है सृष्टि, अब ना भाई छुप के बैठ चुकी है पीछे। ओ भाई क्या ही फील आ रहा बाइक चलाने का यार, लाउड कितनी आवाज है, कितनी आवाज आ रही है। कान बहरे भाई कान बहरे। चलो भाई R15 वाले भाई सब भगाते हैं भाई, सब लड़कों के पास लड़की है, हमारे पास भाई टैनर होके भी कोई लड़की नहीं है, बट अपने पास प्रिंसेस है, बट वो घर पे है, वो हमारी प्रिंसेस है जो बाहर ही नहीं आती है, उसको सिर्फ पढ़ना है लिखना है और बस। उसके बाद जब बोलता हूँ ना ये हम व्लॉग्स बनाएंगे ये है वो है, बोलती नहीं नहीं भाई तू बना, मेरे को भाई पढ़ाई लिखाई करनी है। मैं बोलता हूँ चलो ठीक है, बाकी कोई नहीं, कभी तो कभी हम आपको अपनी प्रिंसेस से जरूर मिलाएंगे ब्रो। भाई आगे देखो क्या रेस लगी हुई है, रेस और रोड से बाबा की, देखो कैसे चल रहे हैं भाई ये देखो। ओ ओ भाई आराम से चला लो, वो देखो ओ हो, वो देखो भाई कैसे चल रहे हैं। नंबर छुपाना पीछे से, इतनी ज्यादा पुलिस पता नहीं क्यों मोहल्ले में, मेरे को समझ नहीं आ रही है, लग रहा है कि यार राजा डीसी और रईस मलिक आए शायद इसीलिए, बट भाई हमें पता नहीं क्यों पूरे, आपको पता भाई मेरी बाइक काफी ज्यादा लाउड है बट उसकी वजह से, बट सच में बहुत ज्यादा पुलिस, अगर आज किसी पुलिस वाले ने हमें पकड़ा तो आराम से भाई मोटा चलान हो जाएगा, और अभी हमें थोड़ा दिमाग से निकलना पड़ेगा, क्योंकि भाई एक तो एग्जॉस्ट में से हमने डिविकुलर निकाल दिया है, और दूसरा भाई हम इतनी तेज चल रहे हैं कि सबकी नजरें भाई हम पे है यार। आपको रिएक्शन दिखाता हूँ, अभी हमने अपनी क्राउन को कर दिया भाई यहाँ पे पार्क, और अभी हम जा रहे हैं मॉल के अंदर कुछ खा पी लेते, और इतनी बुरी हालत हो गई ना गर्मी से, और देख लो भाई इतनी सारी बाइक्स कार यहाँ पे लगी हुई है, बट सबसे ज़्यादा नज़र आपकी जाएगी इस चीज़ पे, क्योंकि ये चीज़ है ही प्यारी। आ चुके हम अपनी बाइक के पास वापस, अभी हम गए हुए थे अंदर कुछ खाने पीने के लिए, देन पेट हो चुका है फुल, और अभी हम जा रहे हैं, क्या लेनी है, फ़ोटो ही लेते हैं गाइस, सब फ़ोटो फ़ोटो। तो गाइस निकलते अभी, ढेर सारा मज़ा, अभी जा रहा हूँ विनीत भाई के पास, विनीत भाई से भी थोड़ा सा कुछ काम है तो वो करेंगे, बाकी बाइक तो अपनी प्यारी लग रही है भाई। डीबी किलर दे दो, नहीं लगेगा, नहीं मैं ले तो लूँ, नहीं 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 लगाना, ठंडा हो गए तो भाई ये देखो इसको बाद में लगाते हैं, तो अभी फ़िलहाल इसको पॉकेट में डाल देते हैं, तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं। हैं नट उसी में रखा मैंने, क्यों 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 लेनी है, क्यों लेनी है वाले वो तो बताओ, ऐसी लेनी है स्टोरी के लिए लेनी है। अच्छा ओके ओके मैम ओके, प्लीज सीट बैठिए। नहीं गिरती यार, आप फोटो खींचो, टेंशन लो गाइज। एक हमारी ये क्राउन है जिसके साथ सबकी डिमांड रहती है कि भाई फोटोज खिंचानी है भाई, देखो यार मतलब नजर ना लगे अपनी क्राउन को यार, बहुत प्यारी है और बहुत मेहनत करके ना ये चीज़ हासिल की है लाइफ में।